हेलो एंड वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। इस वीडियो को मैंने तीन हिस्सों में बांटा है। पहला बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़ा हुआ इतिहास, दूसरा उसकी वर्किंग और तीसरा बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़े हुए सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल। तो शुरू करते हैं इतिहास से। तो कहानी की शुरुआत हुई थी हिटलर से, जो रॉकेट टेस्ट कर चुका था और एटम बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहा था। बात है वर्ल्ड वॉर टू की। हिटलर को इस बात का एहसास हो गया था कि वो कन्वेंशनल तरीके से अलाइड फोर्सेस से जंग नहीं जीत सकता, इसलिए उसने नाजी जर्मनी के वैज्ञानिकों को एटम बॉम्ब बनाने के लिए कहा। अब हिटलर के द्वारा एटम बॉम्ब बनाने की तैयारियों की खबर लियो सिजलार्ड तक पहुंच गई। लियो सिजलार्ड ये एक अमेरिकी थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे। ये तुरंत दौड़े दौड़े एल्बर्ट आइंस्टाइन से जाकर मिले और इन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन को फोर्स किया कि वो उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति यानी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक लेटर लिखकर हिटलर की कारस्तानियों के बारे में उन्हें सूचित करें। और लियो सिजलार्ड ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से इस बात के लिए भी रिक्वेस्ट की कि वो रूजवेल्ट को ये भी कहें कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी शुरू कर दें। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने रूजवेल्ट को लेटर लिख दिया। लेटर मिलते ही रूजवेल्ट के होश उड़ गए, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि जर्मनी इतनी तेजी से न्यूक्लियर बॉम्ब पर काम कर रहा होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने तुरंत जनरल लेस्ली ग्रूव को बुलाया और उनसे कहा, जो भी चाहे करो, जितने चाहे आदमी लगाओ, चाहे तो पूरे देश के वैज्ञानिक इंजीनियर्स सब लोगों को एक जगह लगा दो, जितना चाहे पैसा खर्च करना पड़े, लेकिन हिटलर से पहले एटम बॉम्ब बना कर दो। अमेरिकी सरकार से हरी झंडी मिलते ही जनरल लेस्ली ग्रूव ने रॉबर्ट ओपनहाइमर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हेड अपॉइंट कर दिया। इसके बाद 18 जून 1942 को मैनहट्टन प्रोजेक्ट की ऑफिशियली शुरुआत हो गई, जिसके बाद मानव इतिहास में पहली बार किसी एक प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए 6 लाख लोग 24 घंटे दिन रात एक साथ काम करने लगे। और 16 जुलाई 1945 में न्यू मैक्सिको की सुनसान जगह पर दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया गया। जब रॉबर्ट ओपनहाइमर से ये पूछा गया कि न्यूक्लियर बॉम्ब का बटन दबाने के बाद क्या होगा, तब रॉबर्ट ओपनहाइमर ने कहा, मुझे नहीं पता, हो सकता है हम इस ग्रह को ही खो दें। ये वाकई में डरा देने वाली बात थी। अमेरिका ने अपनी जिद के सामने पूरी धरती का भविष्य दांव पर लगा दिया था और बटन दबाने के बाद हमें मिला पहला न्यूक्लियर टेस्ट, एक सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट। अब जंग के मैदान में जापान ने अमेरिका का मार मार के भरता बना रखा था, जिसकी वजह से अमेरिका को पैसे और मिलिटरीली बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। अमेरिका ने डिसाइड कर लिया कि वो जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएगा। अब ये खबर लियो सिजलार्ड तक पहुंच गई। लियो सिजलार्ड वही व्यक्ति हैं जिन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन से फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को पत्र लिखकर एटम बॉम्ब बनाने के लिए कहा था। लियो सिजलार्ड चाहते थे कि अमेरिका एटम बॉम्ब तो बनाए, लेकिन उसे मानवता के खिलाफ इस्तेमाल ना करे। पर अमेरिका ने किसी की नहीं सुनी और 6 अगस्त 1945 को 8:15 पर हिरोशिमा के ऊपर पहला न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया, जिसमें लगभग 146,000 लोग मारे गए थे। इसके दो दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को 11:02 पर अमेरिका ने नागासाकी के ऊपर अपना दूसरा एटम बॉम्ब गिरा दिया, जिसमें लगभग 80,000 लोगों की मौत हुई थी। इस नालायक अमेरिका के हाथ लाखों मासूम इंसानों के खून से रंगे हुए हैं। जापान पर बॉम्ब गिरने के बाद जापान युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं रहा और हिटलर की हार हो गई। हिटलर की मृत्यु के बाद अमेरिका ने जर्मन वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए जा रहे रॉकेट्स और वेपन टेक्नोलॉजी को अपने कब्जे में ले लिया और जर्मन वैज्ञानिकों को अपने साथ अमेरिका ले गए। अब क्योंकि अमेरिका के पास एटम बॉम्ब आ चुका था, यानी वो अपने आप को दुनिया का ठेकेदार समझने लगा, और क्योंकि वो धीरे धीरे मिसाइल टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहा था, तो दूसरे देशों में अमेरिका का दखल भी बढ़ रहा था। ये सारी चीजें देखकर सोवियत यूनियन ने 29 अगस्त 1949 में एटम बॉम्ब का परीक्षण कर लिया। अब सोवियत यूनियन के पास भी एटम बॉम्ब आ चुका था और अब शुरू होता है अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर। मिसाइल टेक्नोलॉजी पर यूएसएसआर भी बहुत तेजी से काम कर रहा था, लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी में यूएसएसआर अमेरिका से कोसों आगे था। और फिर आया वो दिन यानी 4 अक्टूबर 1957, जिस दिन यूएसएसआर ने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करी, यानी स्पुतनिक 1। अब जितने भी कोल्ड वॉर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मैंने पढ़े हैं, तो उन सभी डॉक्यूमेंट्स का निचोड़ यही निकलता है कि यूएसएसआर अपनी सैटेलाइट्स की मदद से अमेरिका की जासूसी करना चाहता था, ताकि मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बाद मिसाइल को सही टारगेट पर छोड़ने में आसानी हो, क्योंकि अभी तक किसी भी देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वो था हवाई जहाज में लोड करके उस देश की सरजमी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब को गिराना। लेकिन मिसाइल एक ऐसी चीज थी जिसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब माउंट करके अपनी ही टेरिटरी से दुश्मन की टेरिटरी में वार किया जा सकता था, और यहाँ से शुरू होती है मिसाइल बनाने की रेस। तो ये था इतिहास। अब बात करते हैं कि मिसाइल काम कैसे करती है। अब मिसाइल
टेक्नोलॉजी पर आगे बढ़ने से पहले जरा न्यूटन चाचा के द्वारा की गई कारस्तानियों का एक छोटा सा रिवीजन ले लो। तो न्यूटन चाचा ने कहा कि चीजें अपनी जगह से अपने आप ना हिलने वाली, उन्हें हिलाने के लिए फोर्स तो लगानी ही पड़ेगी, और जो चीजें पहले से ही मोशन में हैं उन्हें बिना फोर्स लगाए रोका नहीं जा सकता। न्यूटन ने ये भी बताया कि हवा में चलती हुई किसी भी चीज की रफ्तार, उसके वजन, उस पे लगाई गई फोर्स और उसके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड करेगी। इसके साथ साथ न्यूटन ने ये भी बताया कि हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया जरूर होगी। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक रॉकेट या एक मिसाइल में न्यूटन के नियम काम करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि रॉकेट से निकलने वाली गैसेस की रफ्तार की वजह से रॉकेट ऊपर जाता है तो आप गलत हो। और आप कहाँ पर गलत हो और किस चीज में गलत हो, इसको मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, और उस वीडियो का लिंक आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि जो हम सोचते हैं आखिर वो गलत क्यों है। किसी भी रॉकेट या मिसाइल में सबसे जरूरी कंपोनेंट होता है उसका फ्यूल और ऑक्सीडाइजर, जिन्हें अलग अलग टैंक में रखा जाता है जो कम्बस्चन चैम्बर में मिक्स होकर बहुत तेज रफ्तार में जलते हैं। और सॉलिड रॉकेट फ्यूल पर बेस्ड मिसाइल और रॉकेट्स में ऑक्सीडाइजर और फ्यूल को एक साथ मिलाकर रखा जाता है। एक समय ऐसा भी था जब सेना के लिए तीर एक मिसाइल की तरह काम करता था, और इस मिसाइल की एक्यूरेसी एंगल, फोर्स और उस डायरेक्शन पर निर्भर करती थी जिस पर इसे छोड़ा गया है। और ये बात आज की मिसाइल्स पर भी लागू होती है। मिसाइल्स के अंदर एक गाइडेंस सिस्टम भी लगाया जाता है जो उन्हें हवा में अपनी दिशा को बदलने में मदद करता है। ये मिसाइल्स के लिए बिल्कुल एक रोड मैप की तरह काम करेगा। मिसाइल को अपने रास्ते पर स्टेबल रखने के लिए जायरोस्कोप का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब गाइडेड मिसाइल्स का ये फायदा है कि वो बड़ी आसानी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हुए अपना रास्ता बदल कर नए रास्ते से अपने टारगेट को हिट कर सकती हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजी में रेडार्स का इस्तेमाल भी किया जाता है जो इस मिसाइल को गाइड करते हैं, और इसे सैटेलाइट की मदद से भी गाइड किया जा सकता है। अब एक मिसाइल को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो बड़ी आसानी से 0 से नीचे तापमान, 40 से ऊपर तापमान और लगातार हो रही बरसात में भी काम कर सके। मिसाइल्स को हर तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, हेलीकॉप्टर की मदद से या शिप की मदद से, और जमीन पर तो हम ट्रक की मदद से भी इसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब जानते हैं मिसाइल से जुड़े हुए सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल, ये ICBM क्या चीज है। तो ये है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर वार कर सकता, और ये न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है। भारत की Agni-5 एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अब एक क्रूज मिसाइल और एक बैलिस्टिक मिसाइल में क्या फर्क है। तो एक बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज लगभग 15,000 किलोमीटर के आसपास रहती है, और ये धरती के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलकर वापस री एंट्री करते हुए अपने टारगेट की तरफ जाती है। इसकी एक्यूरेसी कम है, क्रूज मिसाइल के कंपैरिजन में तो कम ही है। इसकी रफ्तार लगभग 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रहती है। एक बैलिस्टिक मिसाइल में इनिशियल स्टेज में रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि एक क्रूज मिसाइल लगभग 1,000 से 4,000 किलोमीटर तक अपने टारगेट को हिट कर सकती है। और क्योंकि ये नीचे उड़ती है तो इसे डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, और एक्यूरेसी में तो क्रूज मिसाइल का कोई मुकाबला ही नहीं। पर क्योंकि इसकी रफ्तार कम है तो इसकी रफ्तार की वजह से टारगेट के नजदीक पहुंचने पर इसको इंटरसेप्ट किया जा सकता है। अब ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है। तो ये वो मिसाइल है जो लगभग 5 मैक की स्पीड पर ट्रेवल करते हुए अपने टारगेट को हिट कर सकती है। और कमाल की बात ये है कि टारगेट दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, ये पूरी पृथ्वी पर अपने टारगेट को ढूंढ कर खत्म करने में सक्षम है। और Mach 5 का मतलब है साउंड की रफ्तार से 5 गुना तेज रफ्तार। तो कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। अब आता है सवाल कि हाइपरसोनिक मिसाइल किस किस देश के पास है। तो अभी तक 2 देशों ने तो ये चीज डिक्लेयर कर दी है कि उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल आ चुकी है, जिसमें से एक है चाइना और दूसरा है रशिया। भारत हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है और शायद जल्दी ही हमें इस पर कामयाबी मिल जाएगी। और भाई साहब, अमेरिका ने काफी सारे हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट किए हैं लेकिन कामयाबी अभी तक नहीं मिली। क्या बैलिस्टिक मिसाइल को सबमरीन से फायर किया जा सकता है? बिल्कुल। अब यहाँ पर एक और चीज मैं ऐड करूंगा कि दुनिया में सिर्फ 5 ही देश ऐसे हैं जो सबमरीन से बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर सकते हैं। चाइना, फ्रांस, नॉर्थ कोरिया, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, और हमारा प्यारा भारत। बैलिस्टिक मिसाइल्स को अनस्टॉपेबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फायर फॉरगेट मैकेनिज्म पे काम करती है। एक बार अगर आपने इसको फायर कर दिया और ये डिटेक्ट नहीं हुई तो इसके द्वारा मचाई जाने वाली तबाही को रोकना नामुमकिन है। लेकिन
लेकिन इसको एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी से काउंटर किया जा सकता है, जिसको शॉर्ट में ABM कहा जाता है। क्या भारत की ब्रह्मोस एक बैलिस्टिक मिसाइल है? नहीं, ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है। दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल किस देश के पास है? तो वो है रशिया के पास, जिसका नाम है R-36M, जिसे SS-18 सेटन के नाम से भी जानते हैं, जिसकी रेंज लगभग 16,000 किलोमीटर है। तो जी, ये है हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।